रोहित शर्मा ने इस लड़की से ठुकराया था शादी का रिश्ता, अब बन चुकी है करोड़ों की मालकिन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। बता दें कि रोहित शर्मा इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली की कप्तानी में बतौर टेस्ट ओपनर अपना डेब्यू कर चुके हैं। यहाँ रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट में 2 शतक लगाए थे, वहीं दूसरे टेस्ट में भी वो ऐतिहासिक पारी खेल चुके हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि रोहित शर्मा ने वर्ष 2015 में रितिका सचदेव से शादी की थी। बता दें कि अब रोहित और रितिका की एक बेटी भी है जिसका नाम समायरा रखा गया है। लेकिन दोस्तों आज हम रोहित शर्मा के शादी से पहले की जिंदगी की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी से पहले बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री सोफिया हयात से रोहित शर्मा के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। बता दें कि रोहित शर्मा और सोफिया हयात को कई बार एक साथ डेट पर भी जाते हुए देखा गया है। वही दोस्तों सोफिया हयात रोहित शर्मा से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन रोहित शर्मा ने उनके तोहफे को ठुकराते हुए उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। वही दोस्तों अब सोफिया हयात एक शादीशुदा जिंदगी जी रही है और वह करोड़ों की मालकिन बन गई है। बता दें कि सोफिया हयात बिग बॉस में भी काम कर चुकी है। साथ ही दोस्तों रोहित शर्मा आईपीएल की सबसे सफल मुंबई इंडियंस के कप्तान है। यहां उनकी कप्तानी में ये टीम अब तक 4 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है। वही वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतकों के साथ उन्होंने गोल्ड बैट अपने नाम किया था।